नमस्कार शिक्षार्थियों, आज हम फैशन और फैशन को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में बातचीत करेंगे। जब हम बात करते हैं फैशन, फैशन एक व्यापक शब्द है जो संस्कृति के कई पहलुओं को संदर्भित करता है, जिसमें कपड़े, सहायक उपकरण, सौंदर्य प्रसाधन और आभूषण शामिल हैं। फैशन को एक प्रतिष्ठित सामाजिक कला के रूप में हम देख सकते हैं और किसी भी उत्पाद को बनाने के लिए रचनात्मकता की आवश्यकता होती है और यही रचनात्मकता किसी भी उत्पाद में जो एक पिक्युलर फीचर होता है उसको लाने में सहायक होती है और उसी के द्वारा, लोगों द्वारा यह फैशन एक्सेप्ट किया जाता है। फैशन किसी भी विशेष स्थान या समय के लोगों के कपड़े पहनने, व्यवहार करने, लिखने या प्रदर्शन करने के तरीकों को संदर्भित करता है। फैशन एक सामाजिक और सांस्कृतिक घटना है जो नवीनता की इच्छा से प्रेरित होती है। जब किसी भी उत्पाद में एक पिक्युलर फैशन आता है, मींस कि एक कोई पर्टिकुलर स्टाइल है जो कि लोगों द्वारा एक्सेप्ट की जा रही है पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, हम उसे फैशन कहते हैं। और किसी भी उत्पाद को एक्सेप्ट करने के लिए एक उसमें एक पर्टिकुलर एक यूनिक फीचर होना चाहिए जो कि लोगों द्वारा एक्सेप्ट किया जाए। और जब वो उत्पाद एक पर्टिकुलर समय में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है, तब उसे हम फैशन कहते हैं। अब हम बात करते हैं फैशन सिद्धांतों के बारे में। फैशन अपनाने की तीन प्राथमिक सिद्धांत हैं, जिसमें है ट्रिकल डाउन थ्योरी, ट्रिकल अक्रॉस थ्योरी एंड ट्रिकल अप थ्योरी। इस सिद्धांतों के अलावा फैशन अपनाने का एक वैकल्पिक पॉपुलिस्ट मॉडल है जो कुछ ऐसी स्थितियों पर लागू होता है जो सामाजिक आर्थिक समूहों के बजाय सामाजिक समूहों के माध्यम से फैशन के फैलाव को बताते हैं। सबसे पहले हम बातचीत करते हैं ट्रिकल डाउन सिद्धांत के बारे में। यह सिद्धांत 1889 में अर्थशास्त्री थोरस्टीन वेबलन द्वारा दिया गया था। ट्रिकल डाउन सिद्धांत के अनुसार फैशन समाज के ऊपरी वर्ग में शुरू होता है। सर्वप्रथम कोई भी फैशन अथवा परिवर्तन धनी वर्ग द्वारा अपनाया जाता है और उन परिवर्तनों को धीरे धीरे मध्यम और निम्न वर्गों द्वारा अपनाया जाता है। जब उन फैशन शैलियों को निम्न वर्गों द्वारा आत्मसात किया जाता है तो धनी वर्ग पुनः अपनी शैली और पोशाक को बदल देते हैं। यह सिद्धांत मानता है कि निम्न वर्ग उच्च वर्गों का अनुकरण करना चाहते हैं। मीन्स ट्रिकल डाउन थ्योरी में क्या, सबसे पहले जो हमारा फैशन होगा वो एक्सेप्ट कौन करेगा? हाई इनकम ग्रुप वाले लोग जो हैं उसे एक्सेप्ट करते हैं, उसके बाद उसको मीडियम फैमिली वाले, मीडियम इनकम ग्रुप वाले और लो इनकम ग्रुप वाले लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। जब लो इनकम ग्रुप वाले उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उसके बाद जो हाई इनकम वाले लोग हैं वो उसे चेंज करते हैं, मीन्स उस स्टाइल को छोड़ देंगे और वो न्यू स्टाइल को अपनाने की कोशिश करते हैं जो कि फिर दोबारा से मध्यम वर्ग के लोगों और निम्न वर्ग के लोगों द्वारा अपनाया जाता है। अब हम बात करते हैं ट्रिकल अक्रॉस सिद्धांत के बारे में। ट्रिकल अक्रॉस सिद्धांत के अनुसार फैशन समान सामाजिक स्तरों पर समूहों के बीच क्षैतिज रूप से चलता है। ट्रिकल अक्रॉस मॉडल के अनुसार किसी भी फैशन को एक समूह से दूसरे में अपनाने के बीच बहुत कम समय लगता है। इस सिद्धांत के लिए साक्ष्य तब प्राप्त होता है जब डिजाइनर उच्च अंत से निचले अंत पर पहनने के लिए तैयार वस्तु की कीमतों पर एक साथ एक नज़र डालते हैं। मीन्स कि उसमें आपका कि इक्वल होगा, जो हमारी फैशन स्टाइल है वो एक जगह से दूसरे लोगों द्वारा क्षैतिज रूप में पास होती है। मीन्स कि जो उच्च इनकम वाले लोग हैं और जो निचले इनकम वाले लोग हैं वो जो तैयार वस्तु की कीमतें हैं वो एक साथ ही उस चीज़ को यूज़ करने की कोशिश करते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रिकल अप सिद्धांत के बारे में। ट्रिकल अप सिद्धांत फैशन में बदलती शैलियों और प्रथाओं को दर्शाता है। इस सिद्धांत के अनुसार फैशन निम्न वर्ग और गैर प्रतिष्ठित समूहों से शुरू होते हैं और मध्यम और उच्च वर्गों द्वारा अपनाए जाते हैं और मुख्य धारा के फैशन में शामिल किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं पॉपुलिस्ट मॉडल के बारे में। फैशन सिस्टम मॉडल का एक वैकल्पिक मॉडल पॉपुलिस्ट मॉडल है। इस मॉडल में पॉलीसेंट्रिक के रूप में माना जाता है इस मॉडल को, जहां उम्र, सामाजिक आर्थिक स्थिति, स्थान और संस्कृति के अंतर के आधार पर समूह अपना फैशन बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर बच्चों का ग्रुप है जिसमें टीनेजर्स हैं, या एजेड लोगों का ग्रुप है जिसमें कि हमारे सेवानिवृत्त लोग हैं, तो उनकी अपनी स्टाइल होगी। वो अगर उनका एक पर्टिकुलर ग्रुप है तो वो एक पर्टिकुलर स्टाइल को अपना यूज़ करेंगे तो, और उसको फिर लोगों अपनाने की कोशिश भी करते हैं उस
पर्टिकुलर एज ग्रुप के लोग, तो इसे हम बोलते हैं पॉपुलिस्ट मॉडल। अब हम बात करते हैं कि फैशन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। इसमें सबसे पहला है हमारा सामाजिक कारक, आर्थिक कारक, पर्यावरणीय कारक और शारीरिक कारक। जब हम सामाजिक कारक की बात करते हैं तो सामाजिक कारक में हमारा क्या आता है, वह स्थान जहाँ व्यक्ति रह रहा है तो उसके आसपास के जो लोग रह रहे हैं तो वो हमारे फैशन स्टाइल को प्रभावित करते हैं। व्यक्ति की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, वो किस बैकग्राउंड से, किस संस्कृति से बिलोंग करता है, वो हमारे फैशन को प्रभावित करते हैं। सपोज़ कि जैसे कि अगर साउथ इंडियंस हैं, साउथ इंडियंस में क्या है कि ऐसे गर्ल्स हैं वो साड़ी जरूर पहनेंगी, कोई भी प्रोग्राम होगा या डेली उसमें भी, वहाँ पे मतलब कि साड़ी पहनना कंपलसरी है और सिल्क को जैसे पहन रहे हैं, और उनके कल्चर में जैसे गजरा लगाना है उसको वो यूज़ करेंगे ही करेंगे। तो क्या है, वो संस्कृति पृष्ठभूमि है। ये जैसे हम हमारे यहाँ उत्तराखंड में है कुमाऊँ में, कोई भी प्रोग्राम होता है तो मैरी लेडीज़ के पिछौड़ा पहनती हैं, नतमांग टीका पहनती हैं, तो पिछौड़ा उनकी स्टाइल है कि जिसमें भी कोई भी अगर कोई भी फंक्शन हो रहा है, कोई भी रिचुअल्स हैं तो उसमें वो उसको पहनते ही पहनते हैं। जैसे या लड़का या लड़की है पर्टिकुलर रीजन में, या हमारा ओवरऑल है कि लड़के हैं तो वो पैंट कमीज पहनेंगे, लड़कियां हैं वो सूट पहनेंगी या साड़ी पहनेंगी या स्कर्ट ब्लाउज पहनेंगी, तो ये हमारे सामाजिक कारक है। या कोई फंक्शन होगा तो उसमें लेडीज़ हमारे लहंगा चुनरी पहन रही हैं, या कोई बहुत ही फैशनेबल स्टाइलिश या हैवी साड़ी पहन रही हैं, सूट पहन रहे हैं। व्यवसाय में हमारा डिपेंड करता है फैशन, सपोज़ कोई अगर टीचिंग प्रोफेशन का है तो वो साड़ी पहनेगा या साड़ी पहनेगा, ऐसे डॉक्टर्स हैं या कोई कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो उनका कोई पर्टिकुलर वहाँ पे स्टाइल है तो उसको पहनेगा। डॉक्टर्स का है तो वो डॉक्टर अपने ऐसे कोट पहन रहे हैं, अगर साड़ी पहन रहे हैं तो उनके उसमें वाइट कोट आपका पर्टिकुलर ड्रेस रहती है तो उसको पहनेंगे। और कोई अवसर है, कोई भी हमारी ओकेज़न है, किस टाइप की हम पार्टी में जा रहे हैं उस पार्टी के अकॉर्डिंग हम कपड़े पहनने की कोशिश करते हैं, चाहे लड़का है या लड़की है। और हमारी सामाजिक स्थिति क्या है, हम समाज में हम अपने आप को कैसा शो करना चाहते हैं, उसके हिसाब से हम फैशन को फॉलो करते हैं। आर्थिक कारक जो हमारी परचेजिंग पावर है, तो हम उसके अनुसार भी फैशन को फॉलो करते हैं। जैसे हाई इनकम ग्रुप वाले लोग हैं तो सबसे पहले जो भी मार्केट में आएगा तो वो उसको पहले परचेज करेंगे और उस स्टाइल को फॉलो करेंगे, उसके बाद मध्यम वर्ग के लोग और निम्न वर्ग के लोग उसको फॉलो करेंगे। वैसे ही है पर्यावरणीय कारक, मींस कि जो हमारा जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ पे कैसा मौसम है, उस वो मौसम हमारे कपड़े पहने या हमारी जो फैशन की स्टाइल है उसको प्रभावित करेंगे। अगर जैसे गर्मी है तो उसमें स्लीवलेस कोई भी स्टाइल उसको को अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे, जाड़ा है तो उसमें फुल स्लीव में कोई भी न्यू स्टाइल आ रही तो उसको पहनने की हम कोशिश करेंगे। जब हम बात करते हैं शारीरिक कारक, शारीरिक कारक में क्या कि हमारी एज क्या है और हमारी शरीर की बनावट कैसी है, तो जो हमारी एज है, शरीर की बनावट है और वो चीज़ें हमारी फैशन को अपनाने में, को अडॉप्ट करने में बहुत ही प्रभाव डालती हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा एज है और हमारी शारीरिक बनावट है, ये सारे फैक्टर जो हैं वो हमारे फैशन को अडॉप्ट करने में प्रभाव डालते हैं। तो अंत में मैं यह कहना चाहूँगी कि किसी भी फैशन को अडॉप्ट करने में और उसको अपनाने में हमारे बहुत सारे कारक होते हैं जो कि उसको अपनाने में हमें प्रभावित करते हैं। और बहुत सारी थ्योरी हैं जो मैंने बताई, जैसे ट्रिकल डाउन, ट्रिकल अप, ट्रिकल अक्रॉस थ्योरी, ये हमें बताती हैं कि फैशन कौन सी डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में जाता है, मींस कि कौन लोग सबसे पहले इसको अडॉप्ट करते हैं और कौन लोग सबसे बाद में करते हैं और ये कैसे हमारे फैशन को प्रभावित करते हैं। धन्यवाद।